मैटर इन आर सराउंडिंग, यूनिवर्स में सभी चीजें जो बनी है वो किससे बनी है? मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. कितने टाइनी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल. तो कितने टाइनी पार्टिकल्स हो सकते हैं उसका अंदाजा लगाने के लिए एक एग्जांपल है कि ये जो एक रेन ड्रॉप होता है पानी की एक बूंद, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं मालूम? 10^21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के सिर्फ एक बूंद पानी में. 21 पार्टिकल्स मतलब 1 के बाद 21 जीरोस. आप सोचो कि एक बूंद में इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल कितना छोटा होगा. अंदाजा लग रहा बहुत छोटा है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हमने, सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिया. मैटर का डेफिनेशन आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. एयर इज ऑल्सो अ मैटर. इज एयर मैटर? यस. एक खाली बलून का मास ले लेना और हवा भर के ले लेना, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, अपने वाला वेट यूज नहीं करेंगे. किसका वेट यूज करेंगे? गोल्ड स्मिथ वाले का. इसमें मिलीग्राम भी मेजर है ना. ठीक. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. अभी देखेंगे. हमको लगता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल अपने प्लेस पर हैं और बिल्कुल फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. हमको दिखाई नहीं दे रहा, इतने माइनटली जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. और उनके बीच में स्पेस भी होता है. अभी प्रॉपर्टीज नीचे पढ़ेंगे डिटेल में. आपको थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर तो पता ही है. इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग दो स्टेट्स और पढ़ने वाले हैं. ठीक है, स्टार्टिंग होगा मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस. अगर आप दो गैसेस को मिक्स करते हैं, देखिए एक एग्जांपल. एक गैस ऊपर है और एक गैस नीचे है. ठीक है, ब्रोमीन वेपर्स इज हैवियर देन एयर. कहां है ब्रोमीन? नीचे, ब्राउन कलर की होती है. ऊपर क्या है? एयर. ब्रोमीन क्या है? हैवी है ना. ब्रोमीन हैवी होती है, दिया हुआ है आपको, आपको मालूम होना चाहिए. ब्रोमीन जो वेपर्स हैं एयर से हैवी होते हैं. तो हैवी होते हैं तो ये दोनों तो कभी मिक्स नहीं होने चाहिए. लेकिन आप जब एयर वाले जार को उसके ऊपर उल्टा कर देंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये पूरा मिक्स हो गया है ना. मिक्स हो गया कि नहीं हो गया? मिक्स हो गया. इसका क्या मतलब? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी को डिफाई कर दिया भाई. दे ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगर भारी चीज नीचे ही रह जाती, हल्की चीज ऊपर ही रह जाती तो मिक्स कैसे होती? लेकिन मिक्स हो रहे हैं. एग्जाम्पल में हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ये मिक्स हो जाते हैं. क्यों मिक्स हो जाते हैं? पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. और मूव करने से क्या हो गया? पूरा मिक्सअप हो गया. इससे हमको ये चीज समझ में आई कि पार्टिकल्स, मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है. और दूसरी चीज, मैटर आर constantly moving. Particles move कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मूव कर रहे हैं. क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कहीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता कि ब्रोमीन हैवी होने के बाद भी मिक्स क्यों हो गया? बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, वो मूव करता रहेगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. और मूवमेंट जो है ना पार्टिकल्स का, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. इट इज लाइक द पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स मालूम है आपको? जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर होते पॉलन, और वो जो छोटे छोटे दाने हैं वो एयर में फ्लोट करते हैं. और कैसे फ्लोट करते हैं? जिगजैग. देखिए, ये देखो पॉलन ग्रेन का मूवमेंट जो है ऐसा ऐसा जिगजैग जिगजैग कहीं कहीं भी जाता है. इसको किसने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम?
ब्राउन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मोशन। अदर नेम अगर पूछेंगे, अदर नेम ऑफ डिफ्यूजन, ये बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन समझने के लिए हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को पानी में डाला और उसका हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका मोशन कैसा है। तो पॉलन ग्रेन जो है ऐसे जिगजैग 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 मूव करते हैं पॉलन ग्रेन्स, और वो बोल रहा है ये ऑब्जर्व किसने किया, ब्राउन ने, और इस फिनोमेना का नाम रख दिया ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन इज द अदर नेम ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होता है, जैसा ब्राउनियन मोशन, जिगजैग। अगर बत्ती इस कोने में लगाओगे घर में तो दूसरे कोने तक महक जाएगी, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कंस्टेंटली मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो गया, है ना, फैल गया पूरे कमरे में, फैल गया, डिफ्यूज हो गया। अदर फिनोमेना अगर पूछेंगे वो दूसरा नाम क्या है, ब्राउनियन मोशन। ये पॉइंट समझ में आया, रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया था 1827 में कि जिगजैग मूवमेंट होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स को अगर पानी में डालेंगे तो जिगजैग मूव होता है, इसको उन्होंने नाम दे दिया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर ना, ये मोशन किसका है, पॉलन ग्रेन्स का है, और वो बता रहे हैं कि पार्टिकल्स भी इसी तरह से मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अनिरुद्ध यहां पहली चीज, दे आर वेरी 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 स्मॉल, सेकेंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम, थर्ड पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, फोर द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैटर है तो ये चार प्रॉपर्टीज तो लगेंगी ही, अगर मैटर है, मैटर नहीं है तो सवाल नहीं, ठीक है, अगर मैटर है तो ये चारों प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स वेरी वेरी स्मॉल, स्पेस बिटवीन देम, कॉन्स्टेंटली मूविंग और अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, क्या किया उनने, पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन बनाया, आप समझ लो होली का रंग बना लिया, होली में एक बड़े बर्तन में कलर डाल देते ना, वो कलर बन गया। अब उसको क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर मान लो ये 10 लीटर है, 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल के 9 लीटर में डाल दिया तो ये बन गया 10 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन निकाल के पानी में डाल के 10 लीटर सोल्यूशन बनाओ, पतला हो गया कि नहीं, 10 टाइम्स, लेकिन अभी भी कलर उसका पर्पल दिख रहा है। इसका 1 लीटर उठा के फ्रेश वाटर में डाल दोगे, 10 लीटर बना लो, फिर भी पर्पल दिख रहा, थोड़ा लाइट जरूर हो गया। इसका 1 लीटर मिलाकर इसमें डालोगे, आप देखोगे अभी भी पर्पल है, उसमें से 1 लीटर फ्रेश वाटर में डालोगे अभी भी पर्पल है, उसका 1 लीटर फिर से डालोगे अभी भी पर्पल, आप देखोगे थोड़ा लाइट लाइट होता जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाओ कि कितने कितने छोटे पार्टिकल्स हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, हम उसको कितना डाइल्यूट करते जा रहे हैं, 10 times डाइल्यूट, 10 times, 10 times, 10 times कम करते जा रहे हैं, अभी भी वो हल्का पर्पल कलर दिखा रहा है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताया, क्या बताया मैंने, कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 10^21 पार्टिकल्स होते हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई? अगर वो बोलेंगे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, तो ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट बता देंगे। नेक्स्ट आ रहा है कौन सा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी बात को समझाने के। क्या ले लिया, एक बीकर में वाटर ले लिया, यहां पर मार्क कर दिया, और फिर उसमें हमने क्या किया, 50 ग्राम शुगर डाल दिया,
शुगर डालने से क्या होगा बताओ जल्दी, लेवल बढ़ेगा कि नहीं? लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन लेकिन अगर आप उसको अच्छे से स्टर करोगे ना, वापस उतना ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये शुगर गया कहाँ? वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच बीच में चला गया, समझ रहे ना? दे हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस नहीं होता तो गया कहाँ? गायब थोड़ी हो गया है ना, जरूर उसके बीच में स्पेस होगा। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट क्लियर करता है, प्रूफ करता है कि देर इज स्पेस बिटवीन देम? यस, ठीक है। हाँ, डिफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया, डिफ्यूज हो गया, लेकिन अभी हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थे, तो शुगर के पार्टिकल्स उसके बीच के स्पेस में जाके सेटल हो गया, तभी तो वॉल्यूम में नहीं बढ़ा, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था। इंस्टेंटली आप डालोगे और जब तक डिजोल्व नहीं होगा तब तक तो वॉल्यूम बड़ा दिखाएगा, जब आप उसको स्टर करोगे डिजोल्व हो जाएगा तो वॉल्यूम वापस उतना ही बताएगा। डेफिनेटली उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, मास बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, उसी जगह में वो सेट हो गया उसके बीच में स्पेस में। और थर्ड पॉइंट हम अपना जो बता रहे हैं कि पार्टिकल्स आर मूविंग, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगरबत्ती, परफ्यूम, है ना, पूरे कमरे में फैल जाती है महक, तो ट्रांसफर हो गया ना, पार्टिकल्स आर मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग एक जगह से दूसरी जगह। और एक पॉइंट और, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड में थोड़े कम, गैस में तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते। डिटेल में सारे प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये फोर हमने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर मैटर है तो उसके ये फोर कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही, कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, डिस्टर्ब है, पूरा अटेंशन यही चाहिए। अच्छा, अब एक नई चीज आती है, फ्लूइडिटी, फ्लूइड एंड रिजिडिटी। सबसे पहले बताओ, बहुत इजी टॉपिक है, रिजिड, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? रिजिड मतलब जिसका शेप चेंज नहीं होता, जैसे कि रिजिड है ग्लास, ठीक है, लेकिन रिजिड है, उसका शेप चेंज नहीं होता। देखिए पानी में क्या है, जिस भी आप कंटेनर में डालोगे उसका शेप नहीं देगा, सॉलिड रिजिड है ना, उसको तोड़ के फोड़ के सेट करोगे तभी होगा, हीट करके आप चेंज करोगे उसका स्टेट तब चेंज होगा। सॉलिड्स आर रिजिड, मतलब उसका शेप चेंज नहीं होता आसानी से। एक ब्रिक है तो वैसे ही रहेगा, प्लास्टिक का पैन है तो वैसे ही रहेगा, समझ रहे ना आप? लिक्विड रिजिड नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो बह जाए। क्या गैस भी फ्लूइड्स होते हैं? यस, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है। तो जनरली जो है सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। फ्लूइड मीन्स विच कैन फ्लो, जो बह जाएगा, हवा भी बहती है ना, यस, ठीक है। तो क्या क्या है फ्लूइड, लिक्विड इज अ फ्लूइड और गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड। आप सॉलिड का एग्जांपल दो, सॉलिड का एग्जांपल आप मेटल ले लो, कोई भी मेटल, आयरन, कॉपर ले लो, आप नॉन मेटल ले लो, कार्बन ले लो, ग्रेफाइट ले लो,
मैं हीट की बात नहीं कर रहा हूँ ना, नॉर्मली अभी हम नॉर्मली की बात, ठीक है। और वो फिर तो हीट करके और दूसरे प्रोसेसेस से फिर हम लोग बाद में देखेंगे। यस, वो फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन ताकत लगाने पर होंगे ना, प्रेशर लगाने पर होंगे। अभी हम लोग बिना ताकत लगा के ऐसा पूछ रहे हैं, तो ये समझ में आया। रिजिड क्या होता, अपने आप जिसका शेप चेंज ना हो, सॉलिड। और बाकी गैस और जो लिक्विड है वो कैसे होते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब बह सकते हैं। अब देखिए क्या उसको अलग से, अब देखिए हमने ना बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज एक ही टेबल में बना दिए, ठीक है। अदरवाइज कुछ बुक में सॉलिड अलग पढ़ाया है, लिक्विड अलग पढ़ाया है, गैस अलग पढ़ाया है। मैं चाह रहा हूं कि सारे प्रॉपर्टीज एक साथ में पढ़ लें। सबसे पहली चीज क्या है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। इंटर मॉलिकुलर फोर्स मतलब दो फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी पढ़ा था हमने, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में दो इंटर मतलब उनके बीच में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन समझ गए, दो स्कूल के बीच का कॉम्पिटिशन। इंटर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है सॉलिड में कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए तो वो रिजिड होता है। लिक्विड में वीक, और गैस में वेरी वीक या फिर निग्लिजिबल, या फिर होता ही नहीं, या तो बहुत कम या नहीं होता। अब ये गैस टू गैस भी डिपेंड करेगा, इसलिए हम लोग वेरी वीक बोलते हैं। गैस है वेरी वीक, वेरी वीक। इंटर मॉलिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, आपको मालूम है सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। देखो नीचे ये फिगर भी बना हुआ है, सॉलिड में पार्टिकल्स वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी लेस स्पेस। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस देयर पार्टिकल्स आर मूविंग, हमने पढ़ा था ना, और जो पार्टिकल्स मूव होते हैं तो मूवमेंट के कारण उसमें एनर्जी होती है। कोई भी चीज मूव करेगा तो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम लोग एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़े। कभी भी कोई पार्टिकल मूव करेगा, कार मूव करती है तो उसमें एनर्जी है, साइकिल मूव कर रही, हम लोग मूव कर रहे हैं, बॉल मूव कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी। तो पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं, हमने पढ़ा ना पार्टिकल्स आर मूविंग, मतलब उसमें एनर्जी है। तो सबसे स्लो कौन से मूव कर रहे हैं, सॉलिड, बहुत टाइटली पैक्ड है ना, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत अपनी जगह पर हल्का हल्का हिल रहे हैं। इनका काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें, गैसेस में, बहुत मूव कर रहे हैं, और मीडियम बीच में आएगा, वेरी लेस, लार्ज वेरी लार्ज। पॉइंट क्लियर। शेप, शेप इसका फिक्स्ड होता है सॉलिड का, लिक्विड नॉट फिक्स्ड, गैस नॉट फिक्स्ड। और इसको साथ में पढ़ दें, वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, यस, लिक्विड का, यस, वॉल्यूम, वॉल्यूम, एक लीटर तो एक ही लीटर रहेगा, आप जिस बर्तन में रख दोगे उसका शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम एक लीटर ही रहेगा। और जबकि गैस में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। एलपीजी सिलेंडर में इतनी गैस भरी है, बहुत गैस है, बहुत गैस, उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के दिया है, समझ गए? तो गैस है ना, इसलिए उसको कंप्रेस कर दिया आपने, उसका गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, फुल फॉर्म बोलते हैं। ये अलग से एक बहुत डिटेल में टॉपिक है, देखो जरा यहाँ पर शॉर्ट में, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबसे पहली चीज ये क्या है, ये पेट्रोलियम गैस कहाँ से मिली,
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, समुद्र के अंदर से जो ड्रिल करके निकालते हैं पेट्रोलियम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिटेल में बताऊंगा किसी दिन विजुअल्स के साथ में, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है, गैस। किसकी गैस है ये, पेट्रोलियम की, नाम पेट्रोलियम गैस, ये गैस ही रहता है। गैस मतलब बहुत वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम, जितना कमरा ये है ऐसे समझ लो 30 रूम्स के बराबर, जी हम रूम में बैठे हैं ऐसे इनटू 30 रूम्स, एक ऐसा बड़ा हॉल हो जिसका वॉल्यूम हमारे इस रूम के 30 टाइम्स हो, उतनी गैस। और उस गैस को क्या किया, कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया। तो बात तो वही बोल रहा हूं ना कि उसका शेप चेंज हो सकता है, यस, उसका शेप डेफिनेट नहीं होता, शेप चेंज हो सकता है। उसका वॉल्यूम एलपीजी सिलेंडर में भरा है इतना सा है, इस कमरे में खोल लोगे इस कमरे में भर जाएगा, हॉल में खोल दोगे हॉल में भर जाएगा, तो एक्सपेंड करता रहेगा। यस, प्रेशर अप्लाई करके, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया कि उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए। देखो ये गैस था, गैस को आपने खूब कंप्रेस किया तो पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए। जब पास पास आ गया तो थोड़ा सा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करने लग गया और ये बन गया, इसका स्टेट चेंज हो गया, लिक्विफाई हो गया, अब ये लिक्विड में। अच्छा मुझे बताओ, हालांकि डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, आपने एलपीजी देखा है, किसी ने देखा है, अपनी आंख से देखा है, जैसे पानी देखते हैं एलपीजी देखा है, गैस लाइटर देखा है, सिगरेट लाइटर देखा है, सिगरेट लाइटर में वो पानी पानी दिखता है, वो एलपीजी है। सिगरेट लाइटर में देखा है आप लोग ने, अभी मैं तो ये इसका स्क्रीन मैंने फिक्स कर दिया ना रिकॉर्डिंग के लिए, बाद में दिखा दूंगा। सिगरेट लाइटर जो होता है उसके अंदर पानी जैसा दिखता है, ऐसा हिलता हुआ, दैट इज एलपीजी। आपने आंख से एलपीजी, अब ऐसे ही दिखता सिलेंडर के अंदर भी, मालूम बाद में डिटेल में जितना पूछना, ऐसे ही सिलेंडर के अंदर भी दिखता, लेकिन तो आयरन का भरा है ना, तो आपको ट्रांसपेरेंट थोड़ी है जो दिख जाए। जैसे आपने उसका नॉब खोला, प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, अब वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और पाइप से आके, इसको डिटेल में समझाऊंगा बाद में, अभी अपन ये टॉपिक में टॉपिक वाइज फॉलो कर ले। हाँ आएगा ये डेफिनेटली, आगे डिटेल में समझा दूं। क्या फायर तो एक फिनोमेना है, उसको हम लोग, वो मैटर नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। वो तो किसी चीज को लगाओगे, आग लगाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इग्नाइट करोगे आग लग जाएगी। रेजिडिटी क्लियर है, सॉलिड रेजिड होते हैं, मतलब उनका शेप जो है फिक्स होता है, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, जिस कंटेनर में डालोगे उसका उसका शेप ले लेगा। गैस नो, जैसे एलपीजी है ना, गैस जिस रूम में, जिस रूम में भरोगे उसका उसका शेप ले लेगा, डोम शेप के रूम में भरोगे डोम शेप कर लेगा। कंप्रेसिबिलिटी, देखो ये कंप्रेसिबिलिटी समझाने के लिए, ये सीरेंज है, खाली सीरेंज, पहले में हमने क्या डाल दिया, नमक कॉमन सॉल्ट, दूसरे में डाला वाटर, नेक्स्ट में डाला एयर, और तीनों को आप ट्राई करना, खूब ताकत लगाना, देखना कंप्रेस होता है कि नहीं, तो सॉल्ट कंप्रेस नहीं होगा, वाटर भी कंप्रेस नहीं होगा, और ये देखो कंप्रेस हो गया। क्यों कंप्रेस हो गया, इसके बीच में बहुत स्पेस होता ना, कंप्रेस हो जाता है, गैस कंप्रेस होती है, इसीलिए तो पेट्रोलियम गैस से एलपीजी बना। पेट्रोलियम गैस को आपने बहुत प्रेशर अप्लाई किया तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए, इतने पास आ गए, उनका स्टेट चेंज हो गया, आप समझ रहे, वो एलपीजी बन जाएगा।
हाँ, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एयर जो है वो काफी गैसेस कंप्रेस होती है, सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस। तो आप असल में इसमें भी बहुत कम, सुनो सुनो सुनो, नॉर्मल कंप्रेसिबिलिटी है। यस, मैं इसको नो नहीं बोलता, आपके बुक में नो लिखा होगा। अभी दो टाइप की कंप्रेसिबिलिटी आपको मालूम है, डोर क्लोजर देखा आपने? अरे ऑटोमेटिक रहता है ना, दरवाजा खोल के छोड़ दो, धीरे धीरे बंद हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो डोर क्लोजर लगा रहता है, उस डोर क्लोजर के अंदर ऑयल डला रहता है, वो ऑयल कंप्रेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा लिक्विड कंप्रेस होता है, बहुत कम, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा कंप्रेस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी तो हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा? कंप्रेसिबिलिटी। तो किसको आप सबसे ज्यादा, आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को कैन बी कंप्रेस्ड वेरी लिटिल लिखा है ना, और एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। डेंसिटी की बात करें, अभी तो आपको मालूम ही नहीं है कि डेंसिटी क्या होती है। किसी को मालूम है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन आप ऐसा समझ लो, एक रफ वेग सी डेफिनेशन, जो चीज गाढ़ी है, गाढ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, वो क्या है? डेंसिटी ज्यादा है। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा पतला लिक्विड और उससे और पतली गैस, डेंसिटी सबसे ज्यादा। समझ गए? मतलब अगर मैं ले लूं 10 मिलीग्राम, ले लें ML ले लो, तो सबसे कम वजन रहेगा सबसे कम मास रहेगा किसका? गैस का। उससे ज्यादा वजन लिक्विड का, और उससे ज्यादा सॉलिड का। आप कोई यूनिट ले लो, आप यूनिट क्या लेना चाहते हो? एक कप ले लो, एक कप हवा, उसका वजन बहुत ही कम होगा ना। एक कप पानी, उसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा। और एक कप आप शुगर ले लो, उसका वजन और ज्यादा होगा। या आयरन ले लो, कॉपर ले लो, कोई भी चीज। तो डेंसिटी, मैंने बोला कि डेंसिटी मास नहीं है बेसिकली, लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम है। आप ऐसा समझ सकते हो, जो ज्यादा गाढ़ी वो ज्यादा डेंस। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? हाँ, हनी और वाटर में ज्यादा डेंसिटी किसकी है? हनी। आप हनी को पानी में डालोगे, क्या होगा मालूम है? हनी डूब जाएगी, भारी है ना, डूब जाएगी। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? हनी। क्लियर ना? अच्छा, खाली ग्लास में मैंने पानी डाला, क्या होगा? पानी नीचे बैठ जाएगा, और उसके अंदर खाली, मतलब पहले उसमें एयर थी, एयर ऊपर चली गई। इसका मतलब कि डेंसिटी वाटर की ज्यादा है एयर से। अब पानी में आप कांच के टुकड़े डाल दो, क्या होगा? कांच बैठ जाएगा ना। इसका मतलब ग्लास की डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे जा रही है। ठीक है, अदरवाइज इसका डेफिनेशन जो है, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। डिटेल में हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन चैप्टर में, और उसका सेकंड पार्ट फ्लोटेशन, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, उसमें जाने दो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझ गए? आयरन कितना गर्म करना पड़ता है, रेड हॉट, और गर्म करते हैं तब वो मोल्टन फॉर्म होती, तब पिघलता है। सर गोल्ड भी, लेकिन गोल्ड तो और कम ही होता है, मतलब जल्दी पिघल जाता है ना, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन आयरन के, कॉपर के थोड़े ज्यादा होते हैं। तो सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लिक्विड के लेस, और गैस के वेरी लेस। मेल्टिंग और यस, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, गैस में सबसे कम। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब जो बहेगा, तो सबसे ज्यादा
फ्लूइड लिक्विड, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन क्या सॉलिड फ्लूइड है? नो, कैनॉट फ्लो. और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझ रहे हो? एक सेकेंड रुकिए. हाँ, क्या बोल रहे बोट? हाँ, डिफ्यूजन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, डिफ्यूज हो जाए, मिक्स हो जाए. तो सबसे फास्ट क्या मिक्स होता है? गैस. अगरबत्ती की महक सब बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है ना? आप मिल्क में शुगर डालोगे और जल्दी मिक्स हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है हमको, बल्कि स्टर करना पड़ता है अपने आप. तो उतना और ज्यादा टाइम लगेगा, आप स्टर करोगे तब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, गर्म में और हो जाएगा, है ना? हीटिंग से क्या होता है, उसका मिक्स करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है. और सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, यस, वेरी स्लो. कैसे? अभी हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़े. देखिए, बिल्कुल बता रहा हूं. सबसे पहले देखो, ये इसमें इतने सारे टर्म्स हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नया है आपके लिए. फिर से देखें एक बार, स्टार्टिंग से ध्यान से देखना एक एक. सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्स, मतलब दो पार्टिकल्स के, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स सॉलिड में स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में वीक और गैसेस में वेरी वीक. क्लियर है? स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस सबसे कम सॉलिड में होता, देखो नीचे फिगर है ना, उससे ज्यादा स्पेस लिक्विड में होता, सबसे ज्यादा स्पेस गैस में होता है. काइनेटिक एनर्जी, जो मूव होगा उसमें एनर्जी होगी, तो एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होती है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड्स में. शेप, सॉलिड फिक्स होता है, इन दोनों का फिक्स नहीं होता है. रिजिड, सॉलिड रिजिड होता है, बाकी दोनों रिजिड नहीं होते हैं. कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा लिक्विड कंप्रेस होता है, गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, राइट? फिर हम पढ़े वॉल्यूम, तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है, एक लीटर तो एक लीटर. शेप चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता. एलपीजी सिलेंडर में है तो उसका वॉल्यूम, इस रूम में खोल दोगे तो इस रूम को भर लेगा, एक हॉल में खोल दोगे तो हॉल को भी भर लेगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. डेंसिटी, मैंने आपको एक रफ डेफिनेशन दी, वैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन आप ऐसा समझ लो जो चीज गाड़ी, ठीक है? सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होगी, लिक्विड की उससे कम, गैस की सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम हल्की. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के सबसे ज्यादा, लिक्विड के थोड़े कम, गैस के सबसे कम. फ्लूइडिटी, जो फ्लो हो सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता, बाकी दो फ्लो होते हैं. डिफ्यूजन, सबसे फास्ट डिफ्यूजन इसका अगरबत्ती, परफ्यूम. लिक्विड, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था मिल्क में शुगर डाल के, थोड़ा सा टाइम लगता है. सॉलिड में सबसे कम, अब सॉलिड का एग्जांपल बता दूं, शुगर तो सॉलिड होता है, हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं. हाँ, तो अच्छा एक समझ लो, एक ग्लास पानी में मैंने एक इंक का ड्रॉप गिरा दिया, एक बूंद इंक, तो आपको पूरा मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे 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 मिक्स होता है ना? ये एग्जांपल देखा है. और सॉलिड के एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे आप चौक से लिख देंगे, ठीक है? और फिर मान लो छुट्टी पड़ गई, गर्मी की छुट्टी पड़ गई और किसी ने उसको रब नहीं किया, दो महीने के बाद आओगे ना, उसको रब करोगे तो मिटाने में ताकत लगेगी, क्योंकि इतने दिन में वो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होते हैं. सॉलिड डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है.
ठीक है। क्या चीज? एक ऐसा चीज का एग्जांपल जो स्मॉलर डेप्थ में गैस फ्री में वाटर फ्रिज में डाल दिया तो आइस है, पानी तो है ही है, बॉईल करोगे तो वे स्टीम बन जाएगा वेपर। एक मिनट रुको, देखो एक चीज अभी हम लोग और आगे जाके पढ़ने वाले हैं। देखो वो इमिसिबल लिक्विड, हम लोग मिसिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं जो मिक्स हो सकते हैं। ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन वो मिसिबल लिक्विड्स है ही नहीं। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल की कि वाटर की? ऑयल की डेंसिटी तो कम होगी, वो कम होगी तभी तो तैरता है, तेल तो तैरता है ऊपर, समझ गए? आप अगर एक बॉटल ले लें, खाली बॉटल, उसमें पानी डाल दो, थोड़ा सा ऑयल डाल दो, कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल डालना है, आप देखोगे ऑयल ऊपर रहे। आप चाहो तो उसको अच्छे से मिक्स कर दो, बॉटल उल्टी सीधी जैसी कर दो, ऑयल हमेशा ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़े हम लोग। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब मिक्स हो जाना। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, ऊपर एयर है, नीचे क्या है? ब्रोमीन। हमें लगता है कि जो ब्रोमीन है वो तो हैवी है, और हैवी है तो इसको नीचे रहना चाहिए था, ये हल्का, इसको ऊपर ही रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी मिक्स हो गया। क्यों मिक्स हो गया? बिकॉज द पार्टिकल्स आर मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग, तो पार्टिकल मूव करेगा, जिग-जैग मूव करता रहेगा और मिक्स होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा ना, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस, अभी पढ़ा ना ऊपर, स्लोएस्ट इन द सॉलिड्स। डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि मिल्क में आपने शुगर डाला और आप सोच रहे हो कि वो डिफ्यूज हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए, बहुत टाइम लगने वाला है, थोड़ा जल्दी करना है तो स्टर कर दो, और जल्दी करना है तो गर्म कर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। आप एक अगरबत्ती बिना जलाए पूरे घर में महक जाएगी, आप हीट कर दो, जला दो उसको, समझ गए? टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस। क्या चीज? उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है ना, कोई डिश उसकी महक छोड़ती है ना, उसकी खुशबू गैस है, वो जल्दी फैलती है। ठंडे खाने की महक दूर तक नहीं आती, गर्म खाने की महक आती है। हीट करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जल्दी, उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो इंक्रीज हो जाती है, वो फास्ट मूव करता है। ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? डिफ्यूजन इन गैसेस भी होता है, डिफ्यूजन इन लिक्विड भी होता है, डिफ्यूजन इन सॉलिड भी होता है। हमने पढ़ा जैसे गर्म खाना बन रहा है तो आपको मालूम आ जाएगा, आपको है ना, कुछ लोग स्मेल कर लेते हैं, अच्छा छोले बन रहा है, अच्छा फलानी डिश बन रही, स्मेल आ जाती है ना। ठीक है, ठंडे में आती है क्या? नहीं। तो डिफ्यूजन इन गैसेस क्लियर हो गया आपको, इनसेंस स्टिक महक, अगरबत्ती या फिर परफ्यूम डाला है किसी ने तो महकता है। ऑल राइट, ये क्या हो गया? डिफ्यूजन इन गैसेस सबसे ज्यादा होता है, जल्दी होता है। फिर डिफ्यूजन इन लिक्विड, आप कोई कलर डाल दोगे पानी में, धीरे धीरे मिक्स होता है। वाटर में आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दो, ब्लू कलर के, पिकॉक ब्लू कलर के, धीरे 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 करके मिक्स होता है। इंक डाल दो पानी में, धीरे से मिक्स होता है, लेकिन होता है ना डिफ्यूजन। और सॉलिड, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक बोर्ड लिफ्ट अनक्लीन, 15 दिन के बाद उसको साफ करना चाहोगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गया, और असल में बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, लेकिन होता जरूर है, डेफिनेटली।
the diffusion of solid in another solid is so slow that people don't think that it is diffusion. हमको लगता ही नहीं कि diffuse होगा, लेकिन होता है, बहुत slow होता है. क्या इतना clear? एक next point आया. This is common and SI unit of temperature. Common and SI unit. Common unit अलग है, SI unit अलग है. What is common unit? Celsius. SI unit? Kelvin. अब आपको ज्यादा temperature के बारे में नहीं पता है, बहुत detail में discuss करेंगे. और कुछ चीजें जो इसके कोर्स के बाहर भी आ जाती है उसको हम कम डिस्कस करेंगे. मेन टॉपिक से आपको मालूम है तीन तरह के टेम्परेचर, इनफैक्ट चार होते हैं, एक स्केल और होता है मालूम है, रोमर स्केल. उसको अपन अभी छोड़ दें. आपके बुक में तो ये फ़ारेनहाइट वाला भी नहीं है अभी, लेकिन मैथ्स में है. समझ गए? मैथ्स में लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन है इसका. फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट सेल्सियस. ये है एसआई यूनिट. और थर्ड यूनिट आपको याद है, फ़ारेनहाइट. सुना है कहीं फ़ारेनहाइट? पक्का? कहां? थर्मामीटर, जो हम लोग बोलते 104 बुखार, वो केल्विन है कि सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट? सेल्सियस है. पक्का? यस. अरे 100 डिग्रीज पे तो पानी बॉईल करने लगता है, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉईल करने लगता है, इतना हीट है. बॉडी टेम्परेचर हमारा कौन सा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट. इसके ऊपर गया थर्मामीटर में रीडिंग, तो मतलब बुखार. इसमें ना एक लाइन रेड एरो बना रहता है थर्मामीटर में, उसके ऊपर गया मतलब फीवर. समझ रहे हैं? आप ये देखें, ध्यान से देखना. तीन पढ़ रहे हैं हम, तीनों पढ़ाएंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन. सबसे पहले क्या देखो मालूम है? सबसे पहले आप देखो ये जीरो, सेल्सियस का जीरो क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, हाँ कि नहीं? जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 32 होता है. मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसमें ले लो, जनरली हम लोग जो देखो थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं. थर्मामीटर दो टाइप का होता है. पहला एक होता है एक होता है क्लिनिकल और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर. क्लिनिकल मतलब जिससे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, बुखार है कि नहीं. लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उसका टेम्परेचर लेते हैं. कभी बर्फ का टेम्परेचर भी लेना पड़ता है, कभी माइनस डिग्रीज में भी लेना पड़ता है, कभी बहुत हाई 100 डिग्रीज के ऊपर भी लेना पड़ता है. ये लेबोरेटरी थर्मामीटर. और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर. तो हम लोग जो अपना बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? क्लिनिकल. क्लिनिकल में हमारा बॉडी का टेम्परेचर नाप के लेने के लिए बना है, तो इतनी रेंज होती है, इतनी रेंज होती बस. इससे आगे तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाएगा, 100 तो नहीं जाएगा ना. तो 100 तक की रीडिंग क्यों बनाए? छोटा सा बना दिया, जितनी चाहिए हमको उतनी. जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में पूरी रीडिंग, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर भी मेजर करना, कम से कम भी मेजर करना. और भी डिफरेंसेस होते हैं, वो अभी इसमें छोड़ दें. चैप्टर 8 में, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने डिटेल. चलिए अब मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूं. आप सिर्फ दो को नोट करना, केल्विन और सेल्सियस, जो आपके कोर्स में है. केल्विन इज ऑलवेज 273 प्लस सेल्सियस. ये जीरो है
तो ये 273 है। केल्विन हमेशा सेल्सियस से 273 ज्यादा होता है। केल्विन हमेशा सेल्सियस से 273 डिग्री ज्यादा होता। चेक कर लो, ये 25 है तो प्लस 273 कर दो, केल्विन आ गया। ये 37 है तो 273 प्लस कर दो, ये 100 है तो 273 प्लस कर दो। तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है? केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। अगर सेल्सियस दिया है 273 ऐड कर दो, केल्विन हो जाएगा, राइट? और अगर केल्विन दिया है 273 माइनस कर लोगे तो सेल्सियस आ जाएगा। फॉर्मूला तो वही है, ठीक है? बाकी इसके कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे भी करेंगे। और अभी देखो, मैंने आपको ये दो तीन तो समझा ही दिया। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जीरो है सेल्सियस में, तो केल्विन में कितना होगा? जीरो प्लस 273। ये 25 होगा तो प्लस 273, ये 37 होगा तो प्लस 273, ये 100 होगा तो प्लस 273। क्लियर है? प्लस एक थर्मामीटर और होता है फारेनहाइट, और वो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में ही होता है, सेल्सियस फारेनहाइट दोनों, ठीक है? और ये पॉइंट आपको याद रखना है जनरल नॉलेज के लिए। सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता 37, फारेनहाइट में 98.6, ठीक है? और जो 102 बुखार, 104 बुखार बोलते हैं ना, वो फारेनहाइट वाला है, ठीक? सेल्सियस हो ही नहीं सकता बॉइलिंग वाटर से ज्यादा, होता क्या हमारा टेम्परेचर? नहीं ना। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, क्या मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं? होता है, पॉसिबल है, यस। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस, है ना? वाटर, आइस को हीट करोगे तो क्या बनेगा? वाटर। और वाटर को हीट करोगे तो क्या बनेगा? वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर को ठंडा करोगे तो वाटर, और वाटर को फ्रीज करोगे तो आइस। क्या आपको समझ में आया? yes. ये हम लोग स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर रहे हैं? बाय चेंज इन टेम्परेचर। मैटर का स्टेट प्रेशर चेंज करके भी होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, टॉपिक आगे आएगा, ठीक है? टॉपिक आगे आएगा, फिलहाल अभी हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ये सबको क्लियर है ना? बहुत कॉमन फिनोमेना है। अच्छा बताओ, सिर्फ आइस में ही होता है कि बाकी चीजों में भी होता है? सॉलिड चेंज टू लिक्विड। अच्छा, एक नाम है इसका मेल्टिंग, और एक नाम और होता है फ्यूजन। फ्यूजन, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं फ्यूजन। वर्ड याद रखना, मेल्टिंग भी बोलते हैं और फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि आगे हम जाकर एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को हीट करोगे तो फिनोमेना को बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड स्टेट, लिक्विड को हीट करोगे गैसियस स्टेट, गैस को कंडेंस करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को फ्रीज करोगे तो सॉलिड। ये कौन सा पढ़ लिया हमने? बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो चेंज टेम्परेचर चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया तो मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ये देखो, यहां फ्यूजन दिया ना, फ्यूजन। और लिक्विड को आप हीट करोगे तो वेपराइजेशन। हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? जीरो डिग्री पे ही तो मेल्ट होती है बर्फ। वाटर फ्रीज होता है जीरो डिग्रीज पे, आइस मेल्ट होता है जीरो डिग्रीज पे। वो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, ठीक है?
लिक्विड को जब हम हीट चेंज हीट करते हैं तो गैस में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग भी बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं। आप मतलब कंफ्यूज नहीं हूं, गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन ही बोलते हैं, और उसको आपने ठंडा कर दिया, फ्रीजर में डाल दिया तो फ्रीज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे वो बॉइल करने लगे। अब एक नया कंसेप्ट, बहुत नया और बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लेटेंट हीट। चलो यहां देखो जरा, इसमें देखिए, ये जो मैं फिगर इंसर्ट कर रहा था किसी वजह से इंसर्ट हो नहीं पाया, तो हम इसी फिगर से दोनों पढ़ लें। फिगर ये है, ठीक है, क्या है फिगर और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पहले कंसेप्ट समझा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जब सॉलिड से लिक्विड, तो मैंने लिया आइस और आइस को मैंने क्या किया, हीट किया, तो क्या बनेगा, वाटर। अब ध्यान से देखना, मैंने आइस लिया 0 degrees और उसको हीट किया मैंने, तो वो बन गया 0 degrees वाटर। नहीं समझ में आया ना, नई चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, आएगा थोड़ी देर में तो आएगा। लेटेंट हीट को हम लोग, लेटेंट हीट को हम लोग हिडन हीट भी कहते हैं, लेटेंट हीट को हम लोग हिडन हीट भी कहते हैं। क्यों, ध्यान से देखना, और इसके पहले से स्टार्ट करता हूं। आइस है 30 degrees Celsius, उसको आपने हीट किया तो क्या हुआ, 0 degrees। आप हीट करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा ना, हाँ, और आइस को आपने 0 degrees आइस को हीट किया तो 0 degrees वाटर बना, और 0 degrees वाटर को आप हीट करोगे तो 10-20 degrees वाटर बनेगा, और बीच का जो ये एरिया है जो आपको पजल कर रहा है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप हीट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ, टेम्परेचर और किसके बीच में, टाइम, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कहाँ, ये वाला पार्ट, फिर अचानक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट। हीट अभी भी कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, फिर थर्ड वाले पार्ट में फिर ये इंक्रीज होने लग गया। आपको समझ में आया, लेकिन ये सेकंड वाला पार्ट तो आपको पजल कर रहा है, और यही तो टॉपिक है आपका, क्या, लेटेंट हीट। मैं बोल रहा हूं कि ये जो हीट है, इस हीट से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, पहले तो होता था, आइस 30 डिग्रीज आइस को 0 डिग्रीज आइस में लाने में हीट किया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना, 0 डिग्रीज वाटर को हीट किया तब भी टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन 0 डिग्रीज आइस 0 डिग्रीज वाटर यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो बताओ हीट कहां गई, हीट कहां गई, स्टेट चेंज करने में यूज हो गई, स्टेट कहां गई, हीट उसका स्टेट, स्टेट ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, तो ये जो हीट कहाँ यूज हो गई, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में हीट हो गई। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, द हीट इज गोइंग नॉट इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट इज टू चेंज द स्टेट। अभी समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना, हीट यूज हुई
या तो हीट टेम्परेचर चेंज करेगी और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही तो स्टेट चेंज कर रही, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या सबको क्लियर है? और सेम एक बार फिर से कहां होगा पता, सेम एक बार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब आप लिक्विड, यहां ध्यान से देखना, आपने लिया वाटर 60 डिग्रीज हीट किया तो वाटर बन गया 100 डिग्रीज, और फिर आप वाटर को आपने हीट किया तो 100 डिग्रीज स्टीम, और फिर आपने उसको हीट किया तो 200-300 डिग्री स्टीम। यहां पर स्टेट टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट होने पर, यहां पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट होने पर, यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया ना, यहां हीट कहां गई, स्टेट चेंज होने में। देखिए बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू वाटर वेपर, द हीट इज सप्लाइड इन चेंजिंग द स्टेट। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज सब्लिमेशन? आपको मालूम है कि सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि सॉलिड को हीट करो तो डायरेक्ट गैस बन जाए, और गैस को कूल करो तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाए? इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत सारे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल कपूर। कपूर मालूम है सबको? आप यहाँ छोड़ दो इसको टेबल पे, धीरे 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 करके छोटा छोटा होते होते गायब हो जाएगा। कहाँ गया? सॉलिड से तो मेल्ट होके लिक्विड बना ही नहीं, वो तो उड़ गया। अरे आप उसको रोक लेते किसी कंटेनर के अंदर, रोक लेते तब अपन उसको वापस ले सकते थे, एटमॉस्फेयर में चला गया, उसको रोकना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा अभी। दूसरा एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स, घर में जो छोटे छोटे बॉल्स जो कीड़े मारने के लिए डालते हैं, आप देखते हो जितने बार वो हाथ में आता तो थोड़ा और छोटा हो जाता, क्या हो रहा, उड़ जा रहा। हाँ नहीं, और बताइए। देखो अब यहां देखो, एक चीज होता है अमोनियम क्लोराइड, नाम याद रखना, एमसीक्यूज में आता है, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, एंथ्रेसीन, ये भी केमिकल है, आप इतना पढ़ लो, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सब क्या है, सब्लिमेट्स, सॉलिड से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में। अब इसको और डिटेल में पढ़ बता रहे हैं, इसी एग्जांपल से पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से देखना जरा। देखिए देखिए देखिए, एक चीज और होता है मालूम है, इसके साथ में एक एग्जांपल और है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, किसी ने वो ड्राई आइस सुना है? ड्राई आइस, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बता दूंगा। ड्राई आइस मालूम है? सबसे पहले बताओ किसी ने देखी है ड्राई आइस? देखिए कहाँ देखी है? फॉग बनाने के लिए, ये देख लो, ये फॉग बनाने के लिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये फॉग बनाने के लिए अलावा क्या यूज है उसका? देखिए सिंपली, नहीं मुझे किसी चीज को ठंडा रखना है तो मुझे आइस की जरूरत पड़ेगी। अब आइस दो टाइप की होती है, एक ड्राई आइस जो
पानी से नहीं बनाते, किससे बनाते? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों? क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट होगा तो मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट होके वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर से बना ही नहीं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं जहां यूज होता है। ब्लड सैंपल्स आपको मालूम है, ब्लड टेस्ट मुझे देने, मुझे कोई एक टेस्ट कराना है, और बहुत सारे टेस्ट लोकल जबलपुर में होते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट जो है लोकल जबलपुर में नहीं होते, कहाँ होते हैं? बॉम्बे में होते हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं। तो सैंपल यहाँ से बॉम्बे भेजना है, सैंपल लेकिन खराब हो जाएगा। क्लास के बाद आप दोनों मिलना, जरा आपका ध्यान यहाँ नहीं। ब्लड सैंपल मुझे बॉम्बे भेजना है, गर्मी की वजह से खराब हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो फ्रिज में डाल देते हैं, लेकिन मुझे तो बॉम्बे भेजना है। अब मैं क्या करूंगा, छोटा सा फ्रीजर बना दूंगा, छोटा सा फ्रीजर कैसे बनाऊंगा? थर्माकोल का बॉक्स लूंगा। एग्जैक्टली यही किया जाता है, थर्माकोल का बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर ड्राई आइस डाल देते हैं, उसके अंदर ब्लड सैंपल्स या और कोई सैंपल्स जिसको प्रिजर्व करना है हमें, उसके ऊपर और ड्राई आइस लगा दिया, बॉक्स को बंद कर दिया, पॉलिथीन से पैक कर दिया, और एरोप्लेन से भेज दिया। कितने बजे की फ्लाइट है, मान लो 5 बजे की एक फ्लाइट है, बस फ्लाइट में पहुंचा, 1 घंटे में बॉम्बे, वहां से उनके ऑफिस पहुंच गए। तब तक 2-3 घंटे में वो मेल्ट नहीं होगा और आपका सैंपल सेफली पहुंच गया। समझ में आया आपको? नहीं बेटा, ड्राई आइस थोड़ी, ड्राई आइस बहुत महंगी है, पानी वाली नॉर्मल आइस रहती है। चलिए यहाँ वापस, आईडी, ये देखिए, समझ लो ये क्या है, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, मालूम है? बारिश नहीं हो रही, क्लाउड तो बन गए और बरस नहीं रहे, तो हेलीकॉप्टर से, प्लेन से आईडी स्प्रे करा दिया तो वो प्रेसिपिटेट होके बारिश करा देगा, आर्टिफिशियल रेन भी होता। अभी अपन टॉपिक पे आए वापस, सबसे पहले देखिए हमने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है, यहाँ अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन जो आपको लेना, यहाँ चाइना डिश में लिया हमने, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ये महंगा आता है और हम इसको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, एक उल्टा फनल, ग्लास का फनल उसके ऊपर रखा है, वेपर्स कहीं से एस्केप ना हो, और इसका जो माउथ है ना फनल का, उसको कॉटन से बंद कर दिया, नहीं तो ये तो अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा हवा में, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ कॉटन बॉल से बंद कर दिया और इसको इन्वर्टेड रख दिया, और थोड़ा सा ठंडक है, तो इस ठंड की वजह से क्या होगा, क्या ये जो गैस है अमोनियम क्लोराइड के गैस, ये यहां पर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके वापस सॉलिड बन जाएंगे। ये क्रिस्टल्स निकाल लीजिए आप सब, ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि सॉलिड से बिना लिक्विड चेंज किए डायरेक्टली गैस बन गया, और गैस बन के वापस डायरेक्टली जैसे ही उसको ठंडी सरफेस मिली वो कंडेंस हो गया। क्या आपको इतना समझ में आया?